हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाइब्रिड डाइजेशन के बारे में। तो बेसिक आप लोगों को जो है क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अब यहाँ पे जो V होता है ये होता है कि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम होता है उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हो गया V। एम जो होता है वो हमारा मोनोवैलेंट एटम, जो सिंगल बॉन्ड से और जिनकी वैलेंसी वन होती है वो हमारे मोनोवैलेंट एटम हो जाएंगे। सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन का जो चार्ज होगा अगर वहाँ पे पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर देंगे। एंड ए रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन एनायन, अगर वहाँ पे जो भी हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो हमें उसको जो है यहाँ पे प्लस कर देना है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाता है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 2 आ जाती है, इसका मतलब होता है कि sp ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। जो हाइब्रिड नंबर निकल के आया अगर 2 आ गया निकल के, आपको हम इमेज में दिखाते हैं कि अगर यहाँ पे h की वैल्यू 2 आ गई तो 1s एंड 1p ऑर्बिटल यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। और इसका कुछ जो सेफ होता है इस तरीके से होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। एंड इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है BeCl2। वहीं पे H की वैल्यू अगर 3 पे निकल के आएगी तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यानी कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। एंड इसकी वैल्यू इसको बोलेंगे कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसका यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये ट्राइगोनल प्लैनर और जो भी ट्राइगोनल प्लैनर होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है। और एग्जाम्पल इसका दे दिया गया है BF3। तो आप इसको जो है ट्राई करना ये किस तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन हम इस वीडियो में आपको कुछ एडिशनल ट्रिक बताने वाले हैं। क्योंकि जब आप नीट एंड जेई का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप फॉर्मूले में हर एक चीज़ रखें उसके बाद कैलकुलेट करें और उससे वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आप लोग निकालें। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे एंड उससे जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। सबसे पहले जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं इस पे आते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, दो चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ग्रुप नंबर ध्यान में रखना है और सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन काउंट, सेकंड जो है आपका इलेक्ट्रॉन काउंट के बारे में ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो है ग्रुप नंबर हो गया, ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 7। अब 4 जो होता है वो हमारा कार्बन फैमिली होती है। इसके सारे एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया एंड SN हो गया, जर्मेनियम SN एंड नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में SB एंड बिस्मथ। देन ऑक्सीजन फैमिली, ओके, एंड आपका हाइलोजन फैमिली, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये फैमिली हो गए हैं और इनका यहाँ से ये ग्रुप नंबर दिया हुआ है 4, 5, 6, 7। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपको एक एग्जांपल दिया जाए उस एग्जांपल में क्या करना है, जैसे सपोज हमने ले लिया NH3, एग्जांपल ले लिया हमने NH3। अब NH3 में देखना है कि जो हमारा N है ये किस ग्रुप में आ रहा है। तो ग्रुप हमारा जो है 7 है NH3 में जो नाइट्रोजन आया हमारा वो ग्रुप 5 में आ गया है। तो इसके लिए लिख लेंगे 5 और हाइड्रोजन का हमें पता है ग्रुप फर्स्ट में होता है तो इसके लिए 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया है, 5 + 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। हमने यहाँ पे सेकेंड चीज़ आपको इलेक्ट्रॉन काउंट के बारे में बताया है कि इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 2 से 8 तक है तो उसको जो है हमें डिवाइड करना है 2 से। इलेक्ट्रॉन काउंट 9 से 56 है तो डिवाइड कर देना है 8 से एंड 56 से अबव है तो 18 से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो निकला है इलेक्ट्रॉन काउंट वो निकल के आया है 8 निकल के आने की वजह से अभी हम करेंगे क्या, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 4 होने की वजह से एच की वैल्यू में 4 मिल गई, इससे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 और यही NH3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। आसानी से हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से, बस ग्रुप नंबर हमें पता है किस ग्रुप में बिलोंग करता है वहाँ से हमने देख लिया है और ट्रिक देख ली कि 2, 8 एंड 18 से हमें डिवाइड करना है।
अब इसी पे बेस्ड, इसी ट्रिक पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन है जो कि आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है, नीट 2018 पे। इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन एनओ टू पॉजिटिव, एनओ थ्री निगेटिव एंड एन एच फोर पॉजिटिव, एन एच फोर पॉजिटिव। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो किस फैमिली में, किस ग्रुप नंबर है इसका, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5। नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है वो है 5, तो हमने 5 लिख लिया। देन ऑक्सीजन है 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद देखिए आप लोग, ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप नंबर 6 में आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया 6, 12 हो गया, और प्लस 1 है तो इसको जो है माइनस 1 कर देंगे। ओके, तो यहाँ से निकल के जो आएगा 12 हो गया, 12 प्लस 5 माइनस 1, तो ये हो गया 16। ठीक है, 5 6 2 जा 12, 12 प्लस जो है 5 हो गया 17, माइनस 1 16। देन 16 को करना क्या है, हमें देखना है कि ये बिलोंग कर रहा है 9 to 56, 9 to 56, तो हमें करना क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से जब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से, क्योंकि ये जो बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है हमारा 9 to 56, 9 to 56 में बिलोंग कर रहा है, तो हमें 8 से डिवाइड कर देना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब वैल्यू 2 आ गई है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा NO3, सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे NO3 के बारे में निकालना है। फिर से हमें पता है नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो 3 हमने लिख लिया, इनटू कर लिया, और ऑक्सीजन जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है ग्रुप नंबर 6 को। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हमें क्या कर लेना है, प्लस 1 कर लेना है। माइनस में है तो प्लस 1, प्लस में है तो माइनस, ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 5 प्लस 18 प्लस 1, तो हो गया, ये भी जो है आपका बिलोंग करेगा सेकंड वाले मेथड में, तो हो गया ये 18 प्लस 5 प्लस 1, तो हो गया ये 24, और 24 को हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड कर लेना है, तो निकल के आ जाएगा यहाँ से 3, तो 3 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, तो देखो यहाँ पे देखना है हमें 2 निकल के आया, 2 का मतलब है 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 निकल के आया तो 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा NH4 पॉजिटिव का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। NH4 पॉजिटिव के लिए नाइट्रोजन जो है हमारा ग्रुप नंबर 5 का है, प्लस 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए 1, एंड यहाँ पे प्लस चार्ज है इस पे, तो प्लस चार्ज होने की वजह से हमने इसको कर दिया माइनस, तो ये हो गया यहाँ से 5 प्लस 4 हो गया 9, माइनस 1 8, तो ये हमारा जो बिलोंग कर रहा है ये फर्स्ट कैटेगरी में। अब 2 से 8 अगर इलेक्ट्रॉन काउंट है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेना है, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, ये आ गया 4, तो 4 का मतलब है कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3, यानी कि 1s एंड 3p ऑर्बिटल, तो हो गया sp3, तो टोटल हो गया 3 प्लस 1 4। तो इस मेथड से हम लोगों ने निकाल लिया कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो NO2 पॉजिटिव के लिए sp होगा, NO3 निगेटिव के लिए sp2 होगा, एंड NH4 पॉजिटिव के लिए sp3 होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब आप लोग इस पे 2-3 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। देखते ही बस ग्रुप नंबर आपको पता है मल्टीप्लाई किया, एंड 2, 8, 18 का आपको सीक्वेंस याद रखना है कि 2 से 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे आपको
फिर से हम दिखा देते हैं आपको, 2 से 8 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 2 से डिवाइड कर लेना है, 9 to 56 इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है तो वहाँ पर आपको 8 से डिवाइड कर लेना है, 56 से अबव जाएंगे तो आपको 18 से डिवाइड कर लेना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसे sp2 sp3 इस तरीके से, अगर वहाँ पे sp2 के ऊपर भी जा रहा है 5 आ गया तो sp3d इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन को लिखना होगा। आई थिंक ये जो हमने शॉर्ट में आपको जो है बताने की कोशिश की कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये आप बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको इस फॉर्मूले पे कमांड है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस ट्रिक को अपना के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।